जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंड्रॉइड 12 के बारे में। एंड्रॉइड 11 तो बहुत सारे फ़ोनों में रोल आउट हो चुका है अभी तक, लेकिन एंड्रॉइड 12 आएगा इसी साल के आखिर में। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड 12 कौन कौन से डिवाइसेस में सपोर्ट करेगा, किस डेट पर ये आएगा ऑफिशियली, और इसमें क्या क्या फीचर्स होने वाला है, नए नए फीचर्स है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है एंड्रॉइड 12 के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ, मतलब आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन है एंड्रॉइड 12 से रिलेटेड, मैं सभी को एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि एंड्रॉइड 12 का नाम क्या होने वाला है। मतलब इससे पहले एंड्रॉइड का जो एंड्रॉइड पी, एंड्रॉइड ओ, ओरियो वो सब था, उसके बाद तो एंड्रॉइड का जब नाम ही चेंज कर दिया था एंड्रॉइड ने, वहाँ पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 ऐसे नाम से आया था। तो इस बार एंड्रॉइड 12 क्या कोई नाम से आएगा या फिर एंड्रॉइड 12 इसी नाम से आएगा? तो मैं बता दूँ कि एंड्रॉइड 12 के नाम से ही आएगा। इसका एक ऑफिशियल मतलब पोस्ट आ चुका है, ब्लॉग पोस्ट, जो एंड्रॉइड के डेवलपर पेज के अंदर आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एंड्रॉइड 12 जो अगले साल लॉन्च होने वाला है, मतलब ये पिछले साल का ब्लॉग है इसीलिए अगले साल लिखा है। तो यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एंड्रॉइड 12 का नाम एंड्रॉइड 12 ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन की फीचर्स क्या क्या होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में 5 फीचर बताने वाला हूँ, और 5 ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो इससे पहले एंड्रॉइड 10, 11 कहीं पर भी नहीं था। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 ज़्यादातर प्राइवेसी के ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ पर मैं 5 फीचर जो बताऊँगा, इनमें से 2 या 3 फीचर तो प्राइवेसी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर है रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क मोड। मतलब इससे पहले कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते थे तो वहाँ पर कोई परमिशन देना पड़ता था, जैसे कैमरा परमिशन या फिर फाइल मैनेजर परमिशन, और अगर वो एप्लीकेशन चाहे तो आपका फाइल मैनेजर से कोई भी डेटा वो ले सकता था, मतलब इंटरनेट के थ्रू। लेकिन इस बार जो फीचर आएगा, ये एक सेटिंग्स होगा। इस सेटिंग्स को अगर आप एनेबल कर दोगे कोई एप्लीकेशन के अंदर, तो जितने भी परमिशन आप दोगे उसके बाद भी वो एप्लीकेशन कोई भी डेटा आपके मोबाइल से नहीं ले पाएगा, या फिर आपके मोबाइल में कोई डेटा मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मुझे, प्राइवेसी से रिलेटेड फीचर है ये। तो पिछले साल ही जेंडर, पबजी ऐसे एप्लीकेशन प्राइवेसी से रिलेटेड इशू के कारण बैन हो चुका है, और इसीलिए लगता है गूगल इस बार सोचा है कि प्राइवेसी को और भी सिक्योर करना चाहिए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये फीचर आने वाला है। तो यहाँ पर जो अगला बहुत इंटरेस्टिंग चेंज या फिर अपडेट भी बोल सकते हो आप, ये होने वाला है अपडेट के ही ऊपर। मतलब आप अपने फ़ोन को अपडेट करते थे सेटिंग्स के अंदर जाकर, लेकिन इस बार एंड्रॉइड करने वाला है कि प्ले स्टोर के अंदर ही अपडेट पुश कर देगा, और ये बहुत ही बढ़िया चेंज होगा। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और मतलब इसके बाद जो भी अपडेट आएगा, एंड्रॉइड से रिलेटेड अपडेट आएगा, वो डायरेक्टली प्ले स्टोर में आएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होने वाला है फ़ोन को अपडेट करने का। तो अगला जो फीचर है वो हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और मैंने दिखाया भी था एक एप्लीकेशन के थ्रू ये यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो इस फीचर का नाम है डबल टैप टू जेस्चर, और ये फीचर आएगा एंड्रॉइड 12 के साथ। तो इस फीचर के थ्रू आप अपने मोबाइल के बैक पर डबल टैप करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, और जब ये फीचर आएगा तो डिफ़ॉल्ट में रहेगा गूगल असिस्टेंट, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब शॉर्टकट फीचर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये फीचर तो iOS 14 में आ गया था, और उसके बाद एंड्रॉइड 11 में ये आने वाला था, लेकिन नहीं आया। इस बार एंड्रॉइड 12 में ये आएगा, तो देखते हैं कि कैसा फीचर होने वाला है। और यहाँ पर स्पेशली बताया है कि गूगल का जो पिक्सल फ़ोन होने वाला है उसी को सबसे पहले ये फीचर मिलेगा, उसके बाद ही बाकी सारे डिवाइसेस को मिलेगा। तो देखते हैं कि कैसा फीचर होने वाला है और कितना यूज़फुल होता है हमारे डेली लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जो अगला फीचर है, मुझे लगता है बहुत ही यूज़फुल फीचर होगा। आपका बैटरी जो ड्रेन होता रहता है बैकग्राउंड में, कोई एप्लीकेशन रन रहता है उसी वजह से, तो इसी के ऊपर ये फीचर है। मतलब कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो और साइड में रखकर, मोबाइल को रखकर कहीं पर चले जाते हो, तो एप्लीकेशन यूज़ नहीं होता रहता है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन ओपन रहता है, तो उस केस में ये फीचर उस एप्लीकेशन को हाइबरनेट मोड पर डाल देगा। तो इससे होगा क्या कि वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, और इससे आपका बैटरी भी नहीं जाएगा, और अगर ये एप्लीकेशन डेटा कंज्यूम करता है तो उस केस में आपका डेटा भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो फीचर है, इसका नाम है सेफ एक्सेस टू अदर ऐप स्टोर। मतलब प्ले स्टोर से हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कुछ परमिशन नीचे लिखा रहता है, कौन कौन सा परमिशन हमको अलाउ करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और ऐप स्टोर से, जैसे कि अप टू डाउन हो गया, या फिर कोई भी ऐप स्टोर से अगर हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कोई वार्निंग नहीं रहता। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाऊँ, तो कोई एप्लीकेशन अगर आप कोई थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड करते हो
और डाउनलोड करने के बाद अगर वो एप्लीकेशन में कैमरा परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी वो अगर कैमरा परमिशन चाहता है तो आपको अलाउ करना पड़ता ही है। तो इस बार जो अपडेट आने वाला है, इस अपडेट के बाद अगर कोई दूसरा ऐप स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो और वहाँ पर वो परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी मांगता है तो वहाँ पर वार्निंग आएगा। मतलब ये प्राइवेसी से रिलेटेड एक फीचर होने वाला है, तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया फीचर होगा और ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड 12 पूरा प्राइवेसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपडेट कब आने वाला है, तो हर बार की तरह एंड्रॉइड का अपडेट तीन फेज पर आएगा। पहला फेज होगा डेवलपर के लिए और ये आएगा फरवरी महीने पर, मतलब इस महीने पर ही, और दूसरा फेज होगा बीटा अपडेट और ये अपडेट कुछ ही यूज़र को मिलेगा। तो ये अपडेट बेसिकली होता है फीडबैक लेने के लिए, मतलब कुछ नया फीचर आता है उसके ऊपर फीडबैक क्या होता है यूज़र का वो लेने के लिए बेसिकली ये अपडेट होता है और ये आएगा मई महीने पर। और ऑफिशियली जो अपडेट आएगा वो इसी साल के लास्ट में आएगा, मतलब सितंबर महीने पर, और ये अपडेट होगा सभी यूज़र्स के लिए। तो अभी मैं बता दूँ कि किस किस फ़ोन को ये अपडेट मिलने वाला है। पहले मिलेगा गूगल का पिक्सल फ़ोन को, उसके बाद ही बाकी सारे कंपनी जैसे कि वन प्लस, रेडमी या फिर रियलमी, ओप्पो, सारे कंपनी को मिल जाएगा। और यहाँ पर सैमसंग लिस्ट पर आखिर में है, लेकिन ये लिस्ट कंफर्म लिस्ट नहीं है, तो हो सकता है सैमसंग को पहले मिल जाए। तो चलिए वेट करते हैं। और अभी तक तो इतना ही फीचर रिवील हुआ है और सिर्फ इतना ही फीचर नहीं आने वाला एंड्रॉइड 12 के अंदर, और भी बहुत सारा फीचर आएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या फीचर आता है, और मैं अगर कोई नया फीचर आएगा तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।